तो हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है सौरव। दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा कि जो आप WhatsApp यूज़ करते हो, जब आप चैट करते हो किसी से, तो उसके पीछे आपको वॉलपेपर आ जाता है। दोस्तों, WhatsApp के जो आपको एक कॉन्टैक्ट दिख रहे होंगे, यहाँ पे भी यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आप यहाँ पर कैसे वॉलपेपर रख सकते हो। और दोस्तों, जो देखिए, मैंने एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट ओपन किया है, इसके पीछे जिसके मेरा फोटो आप देख रहे हो, तो इस तरीके का फोटो आप पीछे कैसे लगा सकते हो चैट की, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए थ्री डॉट है, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वॉलपेपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। वॉलपेपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको गैलरी या आप सॉलिड कलर व्हाट्सअप के वॉलपेपर कुछ भी ले सकते हो। मैं गैलरी का फोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो गैलरी में जाइए दोस्तों, आपको जो फोटो सिलेक्ट करना है उसको चूज करिए। मैं कोई भी एक मेरा फोटो चूज कर लेता हूँ, ठीक है, मैं ये वाला फोटो चूज कर लेता हूँ दोस्तों। और देखिए, ये फोटो आपको सेट करना है किस तरीके से दिखना चाहिए, तो ये फोटो को आपको पहले सेट करना पड़ेगा आपके व्हाट्सएप में। देखिए, मैं कुछ इस आप इसको जूम करके भी लगा सकते हो। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, कुछ आप इस तरीके का लगा सकते हो, और मैं इस तरीके का लगा रहा हूँ, ठीक है, नीचे आना चाहिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह सेट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे सेट करिए। अगर आपको ये फोटो नहीं रखना तो कैंसिल करिए और फिर से वही प्रोसेस करिए। तो यहाँ पे सेट वाला, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि देखिए दोस्तों, इस चैट पे मेरा जो वॉलपेपर था वो सेट हो चुका है। देखिए, मैं इस कॉन्टैक्ट को हाई भेज देता हूँ। और देखिए, यहाँ पे जो है इस चैट के जो पीछे है मेरा वॉलपेपर आ चुका है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।